आज संडे है तो अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह हम घर से निकल गए और ढूंढते ढूंढते आपके लिए एक नया पेड़ मिला, इसे नेवरी कहते हैं। ये नेवरी का पेड़ इतने सारे फूल लगे हैं और इतने खुशबूदार सुगंधित फूल होते हैं कि क्या बात करें। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। नेवरी का पेड़ एक स्मॉल एवरग्रीन पेड़ है। ये लगभग 10 से 25 फीट की हाइट वाला होता है। इस पेड़ को गुजराती में नेवरी, नेवारी या नेवाली कहते हैं। हिंदी में जलपाई, नेवारी, लोहा जंगनी, लोहा जंगिन, मसाल का जाड़, कोटोगंदल। मराठी में लोखंडी, कुरट, रायकोरा, नेवाली, मकरी, मकरीचे जार, गोरवी कटगी। कन्नड़ में कोरवी, कोंकणी में कराती, तेलुगु में कोरावी और तमिल में कोरन के नाम से जानते हैं। संस्कृत में नेमाली या नेवाली कहते हैं। इंग्लिश में नेवरी के पेड़ को टॉर्च ट्री, टॉर्च वुड ट्री, टॉर्च वुड एक्जोरा के नाम से जानते हैं। लैटिन में इसका नाम है नेवरी या एक्जोरा परवी फ्लोरा। इसके अलावा भी इसके कुछ नाम है जैसे कि ईश्वरा, रंगन, नेपाली, नवमल्लिका, वासंती या वसंती। अब इसकी पत्तियों की बात करें तो इसकी पत्तियां दिखने में बिल्कुल रायन वृक्ष की पत्तियों जैसी ही होती है। दोनों साइड चमकीली होती है, ऊपर की साइड डार्क ग्रीन कलर की होती है और नीचे थोड़ा हल्का डल होता है। लेंथ में इसका पत्ता लगभग 3 से 6 इंच का होता है और इसकी चौड़ाई 1.5 से 2.5 इंच की होती है। अब बात करते हैं इसके फ्लावर की। बसंत के बाद इनमें फूल लगते हैं और ये फूल मॉनसून तक यानी बारिश तक खिलते रहते हैं। ये फूल सफेद या पिंक कलर के होते हैं और गुच्छेदार फूल लगते हैं। फूलों की महक दूर तक जाती है। यही नहीं, सूखने के बाद भी इसकी महक आती रहती है। देखने में भी ये मनमोहक मोतियों के गुच्छों की तरह आपको दिखेंगे। इसकी स्मेल में एक नशा है। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम के बाद या मेहनत करके, श्रम करके इस वृक्ष के नीचे बैठता है तो इसकी थकान तुरंत दूर हो जाती है। अब बात करते हैं इसके फल की यानी इसके फ्रूट की। पहले तो ये हरे ग्रीन रंग के छोटे होते हैं पर बाद में ये जामवे या काले हो जाते हैं। फल को तोड़ने से इसमें से चिकना रस निकलता है पर इसकी वास आपको पसंद नहीं आएगी, पर स्वाद में मधुर होगा। इसके फल को तोड़ने पर अंदर से ब्राउन, गोल, चिपटे बीज निकलेंगे और बीज के अंदर सफेद रंग की गिरी होती है। नेवरी के सर्वांग को आप औषध प्रयोग में ले सकते हैं। स्वाद में यह कटु, कसाई, शीतल और गुण में यह सोतग्न, ग्राही और मादक और त्रिदोष शामक है। अब इसके औषध प्रयोग के बारे में जानिए। गुजराती में चाड़ा उल्टी कहते हैं, उसे एनेमिया या वॉमिटिंग कहते हैं। इस उपाय के लिए तने की छाल ले, उसका काटा बनाए और तर्दी को दे तो एनेमिया और वॉमिटिंग इसका दूर होता है। एक उपाय ये भी है कि कहीं पर बॉडी पर सोत सूजन है तब इसकी जड़, इसकी मूल को और इसकी पत्तियों को पानी में पेस्ट करके जहाँ पर सोत सूजन है वहाँ लगाओगे तो सोत सूजन इसकी दूर हो जाएगी।
कई कई महिलाओं को प्रसूति के बाद ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है और ये कई महीनों तक चालू रहता है। तो इसे रोकने के लिए आप इसके फल और इस पेड़ की जड़ ले, दोनों को आप पिए, आप उबाला करके पिए, काढ़ा बना के पिए, तो प्रसूति के बाद का ब्लीडिंग इनसे रुक जाएगा। मूल की छाल का कवाथ बना के आप न रुझने वाले व्रण और जख्म को भी मिटा सकते हो। आप इसकी लकड़ी से खेती के छोटे छोटे औजार भी बना सकते हो। नेवरी के मूल का काढ़ा या कवाथ गोनोरिया, जवर और कफ में उपयोगी है। कभी कभी ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स स्ट्रेस हो जाती है। इसे दूर करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए अगर आप इसका काढ़ा या कवाथ या उकाला पिए तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कोई कोई महिलाओं को यूरिन में हाई कलर्ड होता है, तो जिस महिलाओं को यूरिन में हाई कलर्ड का प्रॉब्लम है, वे फ्लावर और इसके तने की छाल इन दोनों को मिला के काढ़ा बनाए और सेवन करें कुछ दिनों, तो ये प्रॉब्लम इसका दूर हो जाएगा। नेवरिक के पेड़ में एक ऐसा भी गुण पाया है जिससे ये रक्त में होने वाले विष को भी दूर करता है, यानी डिटॉक्सिफाइज ब्लड, ये ब्लड को डिटॉक्सिफाइज करता है। अब इसको पीने की मात्रा बताते हैं। स्वरस 10 से 20 ml या 1-2 चम्मच, कवाथ के काटा के रूप में आप लेना चाहे तो 25 से 50 ml और फ्लावर का पाउडर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1-2 ग्राम की मात्रा में आप ले सकते हैं। फिर भी दर्दी के बलाबल को ध्यान में रखते हुए आप ये मात्रा घटा बढ़ा सकते हो। जी धन्यवाद।